तो जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। शुरू करते हैं। काफी लेट हो गया आज मेरे को थोड़ा सा उठने में, क्योंकि रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी और सुबह उठा नहीं गया। आज का दिन मेरा वैसे ही पूरा पैक्ड था, बहुत सारे काम है आज करने के लिए। ये देखो स्नो, पूरी रात स्नो फुल हुई है। ये देखो बेंच पे थिकनेस देखो एक बार, मतलब जितना बेंच है ना उतनी तो पूरी स्नो पड़ी है यहाँ पे। पूरी हैवी स्नो फॉल हुई है कल पूरी रात, वो देखो गिर रही ऊपर से। बट अब मौसम साफ है, गुड राइट नाउ। अब ठीक है, टेम्परेचर तो है अभी -7-8 के आसपास। सामान लेने जाना है, राशन खत्म है, आटा चावल और टोमेटो प्यूरी और ये सब दाल वाल सब लेके आना है। आज कुछ नहीं पड़ा, सब खत्म होने वाला है। फिर उसके बाद शाम को जाना है एक, अभी जैसे कल रात को मैंने बताया था कि हाउस पार्टी है, तो वो दोम पहले मेरे घर के पास में था, अब वो कहीं और बहुत दूर है। वो इधर वाला कैंसिल हो गया लास्ट मोमेंट पे, अब उन्होंने कहीं और ही बुक कर लिया। और वो इतना दूर है ना, जाने में आलस आ रहा है। वहां पे वापिस आने में कल फिर लग जाएंगे, सुबह 2 बसे चेंज करके जानी है। वैसे तो 2 ही है बट बहुत दूर है। एक पे 18 स्टॉप्स हैं, एक पे 24 स्टॉप्स हैं। कहावत है ना, कंगाली में आटा गीला। एक तो पहले ही आज मेरे पास टाइम कम है, ऊपर से दूर और ले लिया। वो देखो गिरी जा रही है, गिरी जा रही है। 5 मिनट, 17 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 8 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट टारगेट 5 वीडियोस। सवा 2 हो गए, अब जाके खत्म हुआ एडिट वाला काम। बहुत देर लगी मेरे को, मोर देन आई एक्सपेक्टेड। चलो फटाफट से नहा के आता हूँ मैं, फटाफट से नहाता हूँ और फिर निकलते हैं। खंजर बैक आए पड़े। ये देखो कितना शार्प आगे से। तो ये लगभग 4 बज गए मेरे को निकलते निकलते। अभी मेरे को जाना पहले एटीएम, पहले तो पैसे निकलवाता हूँ। भाई फिसलन हो रही है हर जगह। बस शूज़ पहन लिए मैंने, ये वाले मेरे से नहीं पहने जाते भाई बूट्स। उसमें तो ऐसे लगता है बस घर पहुँचो फटाफट, इनको उतारो, इतने हैवी है ना वो। यहाँ पे भी लगाते हैं लोग नज़र वाला, वो देखो नज़र बट्टू सा लगा रखा है, वो दिख नहीं रहा। वैसे जूम करके दिखाना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है मैं लेट हो जाऊंगा। बाकी मेरे को दूसरी जगह जाना है, किसी से मिलने, किसी से बात करने, उनको थोड़ा सा काम है जहाँ पे सेम जगह। मेरे को भी सामान लेना है, जलोनी उनको भी लेना है। वो आज ही आए हैं, बताऊंगा सब कुछ, कौन है, कैसे है, क्या चल रहा है, और होपफुली सब अच्छा जाएगा। आई एम पार्ट ऑफ इट नाउ। जाके बात बात करते हैं, मिलते हैं उनसे। तो पहले मैं उनके फ्लैट पे जा रहा हूँ और फिर उनसे उनके साथ में चला जाऊंगा जाऊँ, क्योंकि मेरे को भी सामान वही लेना है जो उनको लेना है। तो सही रहेगा, इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा आज का। पहाड़ लगे पड़े हैं, इतनी स्नो हुई है कल रात को, सोचो मतलब कितनी लेंथ। ऊपर देखो कितना है, हाइट देखो स्नो की, एक बार आधा पेड़ कवर कर लिया उसने नीचे से। ये देखो कौन मिला, ये देखो डर रही है मेरे से। ब्लैक कैट जो उस दिन घर पे आई थी ना, यही थी, यही घूमती रहती है इस गली में यहाँ पे। सोचो कितना मुश्किल है यार इतनी ठंड में। लेकिन तक फर वैसे तो मोटा होता है, बट स्नो ही है पूरी हर जगह। गाड़ी के नीचे बैठ गई है बेचारी, ठंड इतनी है। ऐसा सामने सीनरी देखो यार, क्या पहाड़ लग रहे हैं। मतलब मैं पहले, मुझे उस वाले स्टॉप पे जाना था, मतलब पहले मेरे को पैसे निकलवाने थे और मैं पीछे वाले गेट से निकल के आ गया, याद ही नहीं रहा कि मेरे को पहले पैसे निकलवाने हैं, और वापस उसी साइड जाना पड़ रहा है। मेरे को अभी निकलवाने 1 लाख टेंगे, वो बने यार लगभग 22,275 रुपये इंडियन रुपीज़ में। आ जाए हम बस बिना किसी प्रॉब्लम के। जाओ 1 लाख टेंगे लुक लाइक 10,000-20,000 के नोट, 500-2,000, 500 का तो नहीं है इसमें, 1,000-2,000-500 वगैरह। भाई मैं खड़ा खड़ा पैसे निकालता गिनता, वो एक बार ऐसे क्या होता है कुछ नोट वापस आ जाते हैं जमा करवाते हुए। तो मैं आराम से अपना काम कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, और पीछे लोग खड़े 4 पीछे मैंने मुड़ के देखा, जैसे ही मेरा सारा काम खत्म हुआ भाई मेरे पीछे मुड़ के देखा 4 लोग खड़े हैं और सारे घूर रहे हैं मेरे को, कर क्या रहा है भाई। मन मन में तो गालियाँ दे रहे होंगे, इंडिया होता तो अभी मुंह पे होती सबके गालियाँ। बस आ गई मेरी, भाग के आ गया, सही रह गया, नहीं तो अभी वेट करना पड़ता। ओए ओए ब्रदर ब्रदर ब्रात ब्रात टोपी भूल गया अपनी आज, ठीक है। वो वाली विंडो खुली हुई है, नहीं तो भाई इतना दम घुटता ना इस बस में, पूरी फ्रेश एयर आ रही है आज, ठंड भी नहीं है इतनी आज, अभी तक तो नहीं है। रात को होएगी, जब मैं रात को जा रहा हूँ ना वहाँ पे तब होएगी ठंड अच्छी खासी। मेरे हिसाब से आज 4:30 हो गए, अभी मैं पहुँचूँगा उनके पास तो लगभग ऑलमोस्ट 5 बज जाएंगे। फिर वहाँ से निकलते हुए 6 बज जाएंगे, वापस आते आते 7 बज जाएंगे, फिर मैं वापस जाऊँगा। मतलब बाकी लोग वहाँ पहुँच रहे होंगे,
और मैं घर से निकल रहा हूँ, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है बस में, 44 स्टॉप्स है उस घर के। लेट हो गया आज, मैं कुछ खाया नहीं, मैंने बस ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था। मेरे को पता था कि अब मैं कुछ बनाने वाला हूँ नहीं, तो ब्रेड खा ली मैंने अच्छी खासी चाय के साथ। तो ये जिनसे मिलने आया हूँ, ये जेवेक्सोरी मेट्रो स्टेशन एंड इसके सामने बिल्कुल फ्लैट है, प्राइम लोकेशन। फ्लैट की लोकेशन वैसे मैं बता सकता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वही काम आने वाली है। बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा आज या कल की वीडियो में। तो ये अभी सारा काम हो गया है, मेरे को जो सामान लेना था वो सारा मैंने बैग में डाल लिया। बैग मेरा फुल है, 4 किलो आटा, 2 किलो चावल, टमाटो प्यूरी वगैरह सब हो गया, मैगी वैगी सब ले ली एक बार। अब मेरे को ये सारा सामान घर छोड़ना है, बस उसमें मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है कि लेट हो गया हूँ मैं, 6:30 हो गया अभी मेरे को, इसलिए मेरे को बस आनी रही मेरी। बस का वेट करते करते ना एक काम करते हैं, एक यहाँ से समसा मिलता बड़ा अच्छा, समसा खाते हैं, तब तक वेट भी हो जाएगा। ये भाई समसा, चीज़ समसा एंड चिकन समसा, शेर समसा ही। तो भाई गॉट माय समसा, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है। अब मैं घर से थोड़ा खा के ही निकलूँगा क्योंकि रात को लेट हो जाएगा वहाँ पे, अभी मेरे को पहुँचते। चलो चले अब, पूरा ट्रैफिक जाम था, 8 बज गए हैं मेरे को, अभी मेरे को घर जाना है, सामान थोड़ा सा रखना है बैग में और चेंज करना है क्योंकि मेरे को इसमें ठंड लग रही है। अभी मेरे को जैकेट दूसरी पहननी पड़ेगी और उस जैकेट के नीचे मैं हुडी नहीं पहन सकता, तो कुछ चेंज भी करना पड़ेगा। फटाफट से बैग में डालता हूँ और कुछ खाने का टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को लेट हो जाएगा पहुँचते, अभी काफ़ी दूर है लोकेशन वो, और मैं 8 बजा दी मैंने यहाँ पे ही, मेरे को और टाइम लगेगा जाने में, जल्दी से निकलता हूँ। इतना भाग के आया हूँ ना मैं अभी, इतना भाग के 8:30 हो गए, और मेरे को पहले ही वहीं से डायरेक्ट चले जा रहा था जलोनी से ही, वहाँ से पास भी पड़ता और मैं पहले ही ले जाता ना मेरा सारा सामान जो भी था। घर पे आने वाली गलती की थी मैंने, या वहीं कहीं रख देना चाहिए था मेरे को सामान। आज बहुत लेट हो गया मेरे को और अभी बहुत दूर जाना है, बस भी नहीं आ रही एक तो साली, लेट पे लेट हो रहा हूँ मैं आज, सारी चीज़ें हो रही है लेट वाली, और लेट और लेट। पहले बस नहीं आ रही, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है मैप में, और वो आ ही नहीं रही है। 9 बज गए बिल्कुल एग्जैक्ट और बस भी आ रही है, चलो बढ़िया हो गया। मेरे को पहले लग रहा था बंद हो गई टाइम से, 9:30 दिखा रहा था, 9:10 पे लास्ट इंटरवल है, मतलब उसका लास्ट है, बट अब आ रही है, पीछे ही है। चलते हैं बस फटाफट से, भाग के आया हूँ जो मैं, मेरे को पता है कैसे भाग के आया हूँ आज मैं, यानी कौन से गाँव में जाना है। अभी 20 स्टॉप्स हो रहे हैं यहाँ से, लास्ट बस थी बसे वाली। सब 10 बज गए, भाई कहाँ बुक किया है भाई, दो अमन भाई क्या किए, ये डजेंट लुक नाइस वीरे भाई, मैं सोच रहा था इस बार सारे मेरे ही उधर साइड आएंगे, बट ये ना तो उधर जो भाई, पहले मैं देख लूँ थोड़ा सा जाना किधर है। ये देखो एरिया देखो कैसा ही है, केला में एक तो लूटपाट के ना चला जाए बस मेरे को कोई, मैं लेके भी सारा सामान आया हूँ, कैमरा आईपैड सब है। भाई भैंस की टांग, ये क्या है भाई, एक बार सड़कें देखो, ये कुछ दिख रहा है, मोबाइल की लाइट दिखाता हूँ मेरे को, ये देखो मोबाइल की लाइट से दिख रहा है इतना भी, तो मेरी फट रही है यहाँ से जाने में, मैं कैमरा वैमरा सब अंदर रख रहा हूँ, जाके पहुँचूँगा सीधा, पहुँच के बताता हूँ मेरे को। ये देखो 10 बज रहे हैं, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है बस, ना बंदा ना बंदे की जात कोई नहीं है यहाँ पे। ये देखो ये पता नहीं कौन कौन सी गलियों में से जा रहा हूँ मैं, कुछ आइडिया नहीं है कौन सा एरिया है, गाँव ही है पूरा। घर तो बहुत अच्छा, अंदर से फोटोज़ भेज रहे हैं ग्रुप में। चलो अब मैं पहुँच के ना इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं आज वाले को, नया व्लॉग बनाएंगे अंदर जाके, क्योंकि तो कंटेंट की कमी तो है नहीं। आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, एक और नए दिन में। राधे राधे भाई, ज़्यादा एडवेंचर करवा दिया रंधावा साहब।